Good morning, student. Myself, Dolly, math teacher, Deputy Public School. We are going to start chapter 5 of class 7. So, chapter 5 क्या है? Class 7 का exponent chapter. Exponent क्या होता है? Exponent आपका अगर कोई भी आप number ले लो, जैसे 5 by 7, ठीक है? तो 5 इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 is 5 का power 7. ये जो आपका हुआ पावर यही कहलाता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को और इंडेक्स भी कहा जा सकता है, इंडेक्स, और इसको पावर भी कहते हैं, पावर, पावर नोटेशन. और ये जो हुआ आपका ये बेस कहलाता है, ठीक है? यानी कि बेस हमारा इसमें 5 है और एक्सपोनेंट 7 है, पावर 7 है. तो अगर इसी को दूसरे एग्जांपल में लेते हैं, -2/3, तो इसमें बेस क्या है? तो ये बेस आपका इसमें हो गया बेस -2/3, और एक पावर इसमें क्या है? पावर तो कुछ डाला ही नहीं है, तो इसमें डाल लीजिए 9. ये 9 क्या हो गया आपका? पावर. कुछ भी आप ले सकते हो, -9/3. तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका पावर, एक्सपोनेंट कर सकते हो. यानी कि पावर को ही एक्सपोनेंट कहा जाता है. यही आपका बेसिक था कि एक्सपोनेंट होता क्या है, बेस क्या होता है. नेक्स्ट, इस पर एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोग ध्यान से राइट कर लीजिए, बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम बताए भी हैं. तो इस यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर एक्सपोनेंट चैप्टर आपका सॉल्व होगा. फर्स्ट है कि ए टू द पावर, सब फॉर्मूले को बारी बारी से समझते जाना है. ए टू द पावर एम इनटू ए टू द पावर एन. अगर बेस सेम हो, बेस क्या है? सेम है और मल्टीप्लाई में. अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाता है. ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया. नेक्स्ट, सेकेंड भी वही है आपका, फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल नंबर के फॉर्म में है ए टू द पावर. और यहाँ देखिए क्या है, बेस हमारा सेम है, पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला. थर्ड है, अगर एम ग्रेटर देन है एन से. थर्ड है, देख लीजिए, ए टू द पावर बी पर पावर एम डिवाइडेड ए टू द पावर एन. यहाँ अगर एम बड़ा हो एन से और क्या है ए बाय बी आपका डिवाइड में है, बेस सेम है और ये डिवाइड में हो, तब क्या होता है? बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो एम माइनस एन हो जाता है. जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में रहे तो क्या होता है? प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है. बट अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये सब बात ध्यान देना है. अगर यहाँ पर तो एम बड़ा था इसलिए एम माइनस एन हुआ. अगर एम छोटा होगा तो क्या होगा? अगर एम छोटा होगा तो देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ए बाई बी टू द पावर एन कर सकते हैं. अब ये एम क्या है आपका? छोटा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. बेस आपका सेम है, तो अगर बेस सेम है तो ये कहाँ जाएगा? ए टू द पावर एन माइनस एन. तो बस यही ध्यान देना है कि अगर एम बड़ा है तो और बेस सेम है तो वही चीज, अगर एम छोटा हो तो उसको आप ए बाई बी टू द पावर एम, ए बाई बी टू द पावर एन इस तरह से, और फिर यही बेस नीचे आ जाएगा तो एन माइनस एम हो जाएगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका फाइव नंबर, ए टू द पावर बी एम एन. यहाँ देखिए ए बाई बी हमारा बेस है, टू द पावर एम, एम हमारा पावर है और फिर ये दूसरा पावर है एन. तो क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा ए बाई बी. ये क्या हुआ, एम और एन पावर जो दोनों है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर है ए टू द बी माइनस एन.
अब इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्लिक जब भी माइनस हो हमारा पावर अगर निगेटिव इंटीजर में होगा तो इसको हम लोग 1/a^b^n इस स्टेप से राइट कर लेंगे। इसका मतलब ये भी हो गया कि b ऊपर चला जाएगा यानी कि b टू द पावर n और a टू द पावर n, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो a by b माइनस n को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो b by a टू द पावर n। निगेटिव में अगर इंटीजर है जो आपका पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको रिसिप्रोकल कर दो, उलट दो, यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अगर किसी पर किसी बेस पर पावर अगर जीरो हो तो वैल्यू हमारा ऑलवेज वन होगा, चाहे वो बेस कुछ भी हो, बेस हमारा चाहे टू दी पावर जीरो हो वन, चाहे हंड्रेड वन थाउजेंड कुछ भी हो, अगर पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यही सेम एट नंबर a टू द पावर a बाय b पर पावर हमारा माइनस वन है, निगेटिव इंटीजर है, क्या करेंगे बस इसको उलट देंगे पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला आप इसको राइट कर लीजिए, सारा इसी बेस पर सारा क्या होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इजी वे में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट तो बहुत इजी है, फर्स्ट में राइट इज द फ्लोइंग पावर नोटेशन। एक्सरसाइज 5A में पहला क्वेश्चन है आपका कि जो भी क्वेश्चन गिवन है जैसे 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 इसको आपको पावर नोटेशन में राइट करना है। तो 5 by 7 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4 यही हो गया आपका। इस तरह से सारा क्वेश्चन बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए एबुलेट का फर्स्ट है आपका, एबुलेट करना है इसको 3/4 का पावर 2, क्या करेंगे यार 3/4 कितने टाइम्स, 2 times 3/4 into 3/4 अब इसको सॉल्व कर लिए 3 3 9 4 4 16 4। सेकेंड है आपका निगेटिव है -2/3 का पावर 2, इसको भी आप लोग इस तरह से राइट कीजिए 2/3 into -2/3। अब यहाँ देखिए -2 into -2 2 2 4 और -2 प्लस हो जाएगा आपका 3 3 9 हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एक्सरसाइज का भी सेकंड क्वेश्चन है ये। इसका फर्स्ट है 2 का फर्स्ट 81/256 को आपको एक्सप्रेस करना है कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप 81 3 से डिविजिबल होता है तो क्या आप 81 को पहले तो यहाँ देखिए 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 3 2 6 2 बच गया 27 3 से 9 3 से 3 तो 3 कितने टाइम्स आ गया 4 times। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 into 3 into 3 into 3 अब 256 को देखते हैं कि 256 तो पहले 2 से तो ये डिविजिबल है ही, 4 का भी रूल है, क्या रूल है कि अगर लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होता है इसका मतलब वो 4 से डिवाइड है, तो लास्ट 2 डिजिट तो हमारा 4 से डिवाइड डिविजिबल है तो 4 से इसको डिवाइड करें 6 4 24 4 4 16 4 से डिवाइड दीजिए 16 4 से डिवाइड दीजिए 4 यानी कि 4 कितने टाइम्स 4 times। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 to the power दोनों का पावर सेम हो गया यानी 3 to the power 4 और 4 to the power 4 आप इसको 3/4 को पावर 4 यही आपका हो गया। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा 27/64 आप 3 से इसको फिर से डिवाइड दीजिए 3 से डिवाइड दीजिएगा क्या आ जाएगा -3 -3 -3 3 3 9 9 3 27 और 64 को अभी हम लोग किए 4 4 16 और 64 64 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं -3 to the power 3 and 4 to the power 3 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 अगर बेस
3. Next, express as a rational number. इसको आपको express करना है. ये भी हम अभी बताए हुए हैं कि इसको express कैसे कीजिए. 2 by 3 पर पावर 5 इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि ये कितने टाइम्स लिखना है, 5 times. अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया. 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32. उसी तरीके से 3 का 3 3 9 9 3 27 27 into 3 इसी तरीके से आपका -4/7 है, उसका भी करना है. थ्री का सेकेंड -4/7 पर पावर 3 इसको भी आप एक्सप्रेस कीजिए. -4/7 into -4/7 into -4/7 मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए. 4 4 जा 16 16 4 जा 64 -+ और +/-, और 7 7 जा 49 और 49 7 जा 7 63 6 7 4 जा 28 और 6 28 और 6 34. फिर थर्ड नंबर भी है आपका एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, -6 to the power -1. तो यहाँ पावर आपका माइनस में, इसको आप क्या कर सकते हो, 1/-6 आप लिख सकते हैं टू द पावर 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 to the power -6. आगे बढ़ते हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस व्हाट, अपोजिट. ठीक है, तो इसका फाइंड द रेसिप्रोकल, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है. फाइंड द रेसिप्रोकल यानी 3 to the power 8 पर पावर 4. तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है आप इसको उलट दो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा. पावर में कोई चेंजिंग नहीं, यही आपका रेसिप्रोकल होगा. आप इसको बनाओगे इस तरह से, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 is 8/3. Therefore, 3/8. या फिर यहीं पर आप पावर कर दो, पावर 4 हो गया. फिर सेकेंड भी है आपका -5/6 to the power 11. 4 का सेकेंड. इसको भी आप रेसिप्रोकल ऑफ इसी तरह से लिखिएगा, रेसिप्रोकल of -5/6 to the power 11 h क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी कि नीचे 6/-5 to the power 11. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू. अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1. तो यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 to the power 0. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 to the power 0. क्या होगा, बेस कुछ भी हो अगर पावर 0 है आपका आंसर 1. सेकंड है आपका -3 to the power 0, आंसर 1, नेगेटिव इंटीजर है फिर भी. थर्ड 4 to the power 0 and 5 to the power 0, क्या होगा यहाँ, तो 4 टू द पावर का 1 प्लस 5 टू द पावर 0 का 1, यानी 1 + 1 2 आंसर. नेक्स्ट है आपका 6 to the power 0 into, मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे, 6 to the power का वैल्यू 0 का वैल्यू 1 into 7 power 0 का वैल्यू 1, यानी 1 into 1 1. इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में ध्यान देना है आप लोगों को, 6 का फर्स्ट 3/2 per power 4 into 1/5 per power 2. यहाँ पर हमारा बेस सेम नहीं है, बेस हमारा डिफरेंट है, 3/2 and 1/5. अगर बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाता, प्लस हो जाता. तो लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, 3/2
इंटू थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई पावर टू। जितने बार पावर रहेगा उतने टाइम्स इसको एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट है आपका वन बाई फाइव, कितने बार, टू टाइम्स, वन बाई फाइव, वन बाई फाइव। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखिए, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन थ्री जा कितना होता है, थर्टी, हाथ में थ्री, सिक्स टू ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फाइव और टू जीरो, जीरो टू वन थ्री और वन फोर, फोर हंड्रेड। तो यही आपका आंसर हो गया। ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सिंपलीफाई का जो भी वन टू थ्री हमने लिया है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, जाके आपको बनाने में हेल्प हो। इसमें और भी है, तो अगर ये तीनों बना लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको इरेज कर रहे हैं। सिक्स का सेकेंड, माइनस टू बाई थ्री पावर फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन पावर थ्री। यहां भी बेस सेम नहीं है, तो फिर जैसे फर्स्ट वाला हम लोग एक्सपेंड किए हैं इसको भी एक्सपेंड करेंगे, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री कितने टाइम्स, फाइव टाइम्स इंटू माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री। उसी तरीके से यहां भी करेंगे, माइनस थ्री को थ्री टाइम्स, माइनस थ्री बाय सेवन, माइनस थ्री बाय सेवन, माइनस थ्री बाय सेवन। ठीक है, तो सबसे पहले इस उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए आप, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू। अब देखना है, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इंटीजर हमारा निगेटिव हो और पावर हमारा इवन हो, पावर हमारा इवन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा निगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी निगेटिव इंटीजर हो और पावर हमारा ऑड हो तो वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, जो भी आपका आएगा इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर हमारा फाइव था निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि थर्टी टू क्या होगा, माइनस में आएगा। फिर थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री जा एटी वन, एटी वन थ्री जा टू हंड्रेड फोर्टी थ्री। फिर उसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सेवन से जो फोर्टी नाइन, सेवन से सेवन सिक्सटी थ्री, और यहाँ हो गया आपका थर्टी फोर, 343। अब ये दोनों को आपस में देखिए, कोई कट रहा है तो काटिए और नहीं कट रहा है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे तो ये कटेगा, ठीक है, वैसे 39 जा यहाँ भी 8 और यहाँ 1, फिर ये 99 जा 81, और तो नहीं कटेगा, तब मल्टीप्लाई कर लिए और भी कटेगा, 325, 33, 43, अब नहीं कटेगा। तो ये आपका ऊपर में बच गया 32 इंटू 1 डिवाइडेड 9 इंटू 343, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 32 और 9 इंटू 343, 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36 और 2 38, हाथ में 3, 9 3 जा 27 और 3 30 7, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है, लास्ट क्वेश्चन सिक्स का थ्री, इसको देख लेते हैं। माइनस थ्री बाई फोर पर पावर थ्री, माइनस फाइव बाई टू पर पावर थ्री होल पावर टू इंटू फोर टू दी पावर टू, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले जैसे कर्ली ब्रैकेट है ओपन कीजिए, इसको थ्री टाइम्स आप एक्सपेंड कीजिए,
माइनस थ्री बाई फोर इंटू माइनस थ्री बाई फोर ब्रैकेट क्लोज, फिर फाइव बाई टू भी आपका थ्री टाइम्स है, इसको भी कीजिए थ्री टाइम्स, फाइव बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू फाइव बाई टू, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए और पावर टू इंटू फोर टू दी पावर, इसको भी टू रखने दीजिए अभी। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, टू टू जा फोर और फोर टू जा एट, पर होल पावर टू इंटू फोर टू दी पावर टू, ओके। अब इसको यहाँ देखिए, अब इसको माइनस कीजिए, माइनस ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव बाई एट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लीजिए, तो सिक्सटी और फोर और एट का एलसीएम सिक्सटी फोर होगा, माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू वन ट्वेंटी फाइव इंटू एट, यहाँ हो गया आपका माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस एट फाइव जब फोर्टी, एट टू जब सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी और एट और टू टेन बाय सिक्सटी फोर, इसको फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर पर पावर टू इंटू फोर टू पावर एट। अब इसको आप ब्रेक कर लो, वन जीरो टू सेवन बाय सिक्सटी फोर इंटू माइनस वन जीरो टू सेवन बाय सिक्सटी फोर इंटू फोर टू पावर टू, यानी कि फोर इंटू फोर काटिए सिक्सटी फोर, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यहाँ सिक्सटी फोर ये कटेगा, इसको काट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, फिर ये आधा एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज फाइव है, क्वेश्चन नंबर सेवन तक हो गया है, इस तरह से आप बना लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एट, एक्सरसाइज फाइव का ही क्वेश्चन नंबर एट से जो लास्ट तक है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बाकी खुद से कीजिए, हम तो यहाँ पर एक दो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक्स।